हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वाली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, साथ ही में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इजी वाली कुकिंग को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, ऐसे में कुछ ठंडा ठंडा कुलफुल पीने का मन तो होता है ना, तो आज हम वही समर स्पेशल ड्रिंक बनाने वाले हैं, पंजाबी लस्सी। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है दही, ये अराउंड 400 ग्राम दही है, आइस क्यूब्स, 7 चम्मच शक्कर, मीठा आप अपने हिसाब से लीजिए। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिए बादाम के कतरन और इलायची। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाबी लस्सी बनाने की प्रोसीजर। अब हम दही को इस मिक्सर के जार में डाल देते हैं, साथ ही में हम इसमें आइस क्यूब्स भी डाल देंगे, इलायची डाल देते हैं। अगर आपको इलायची फ्लेवर लस्सी में पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। शक्कर डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सर में दही को ग्राइंड करके ले लिया है, सभी इंग्रेडिएंट्स को। अब हम इसे ओपन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी लस्सी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। अब हम लस्सी को इस ग्लास में निकाल लेते हैं। ओके, ऊपर से हम थोड़े से केसर डाल देते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये बादाम की कतरन जो हमने ली थी वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पंजाबी लस्सी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप इसे ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की समर स्पेशल ड्रिंक पंजाबी लस्सी। तो आप भी ये डिश घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।